गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, आई एम राजवीर सिंह राठौर, योर इंग्लिश ट्रेनर। आपका स्वागत है हमारे चैनल इंग्लिश ब्लास्टर में। आज हमारा आइटम्स एंड फ्रेजेस का दूसरा क्लास होगा। पहले क्लास में भी हमने बहुत इंपॉर्टेंट आइटम्स एंड फ्रेजेस आपको बताए थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे किसी भी एग्जाम के लिए, और ये भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, चाहे वो एग्जाम आपका 10th का हो, 12th का हो, और या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना। तो हम देखते हैं बोर्ड पे, हमारा पहला फ्रेज है बेड ऑफ रोजेस। बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है फूलों का सेज। एग्जाम्पल देखेंगे इसका, लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस, जीवन फूलों का सेज नहीं है। मीन्स दैट लाइफ इज अ फूल ऑफ स्ट्रगल, लाइफ संघर्षों से भरा है। इफ यू विल हैव टू डू एनीथिंग इन योर लाइफ देन, और इफ यू विल हैव टू अचीव एनीथिंग इन लाइफ देन यू हैव टू वर्क फॉर दैट। That's why here we can say that life is not bed of roses. कुछ भी करने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ हम कह सकते हैं कि जीवन फूलों का सेज नहीं है। Means that it's not easy. Okay? Next, black and blue. Black and blue का मतलब होता है गर्दा छुड़ाना। इसका मतलब कतई नहीं होता है ब्लैक, काला और नीला। इसका मतलब काला नीला नहीं होता, इसका मतलब होता है गर्दा छुड़ाना। देखेंगे इसका एग्जाम्पल, I'll beat you black and blue, मतलब मैं आपको पीटूंगा। कैसे पीटूंगा? गर्दा छुड़ा के पीटूंगा, राइट। नेक्स्ट, अ बर्ड्स आई व्यू, इसका मतलब होता है सरसरी निगाहों से देखना या टकटकी लगाकर देखना। जैसे फ्रॉम द प्लेन, मतलब प्लेन से, वी हैड अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ नेपाल, मतलब प्लेन से मैंने नेपाल को, नेपाल के दृश्य को देखा। कैसे देखा? तो सरसरी निगाहों से देखा, टकटकी लगाकर देखना, ठीक है ना। किसी चीज को अगर हम ऊंचाई पर से देखते हैं तो वहां पे हम बर्ड आई व्यू का प्रयोग करते हैं। देखेंगे नेक्स्ट, एट एनी रेट, इसका मतलब होता है चाहे जो हो या हर हालत में, चाहे जो हो या हर हालत में, या इसके जगह अभी हम न्यू में मॉडर्न इंग्लिश में क्या प्रयोग करते हैं, एट एनी कॉस्ट। क्या? एट एनी कॉस्ट। क्या लिखते हैं? एट एनी कॉस्ट या एट एनी रेट, चाहे जो हो। जैसे कोमल विल स्पीक इंग्लिश एट एनी रेट, चाहे जो हो कोमल अंग्रेजी बोलेगी, है ना। आई विल स्पीक इंग्लिश, आई विल टीच इंग्लिश एट एनी रेट, चाहे जो हो मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा। ओके, नेक्स्ट हमारा देखेंगे, हमारा नेक्स्ट फ्रेज है बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण। क्या होता है इसका मतलब? के कारण। क्या है बिकॉज ऑफ? इसका मतलब होता है के कारण। जैसे लक्ष्मी विल नॉट कम, लक्ष्मी नहीं आएगी बिकॉज ऑफ हर एग्जाम, अपने एग्जाम के कारण, मतलब कहीं पे लक्ष्मी नहीं आ पाएगी। क्यों नहीं आ पाएगी? एग्जाम के कारण। नेक्स्ट, बाय चांस, इसका मतलब होता है संयोग बस। क्या होता है? संयोग बस। जैसे एग्जाम्पल, बाय चांस आई मेट बसंती एट महनार वन डे, मतलब संयोग बस एक दिन में महनार में बसंती से मिला। संयोग बस एक दिन में महनार में बसंती से मिला। ओके, नेक्स्ट, बिग गन। बिग गन का मतलब होता है प्रभावशाली व्यक्ति, मींस दैट बड़ा व्यक्ति और वेरी इंपॉर्टेंट व्यक्ति, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, है ना, उसी को हम बिग गन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल, डॉक्टर एस जयशंकर इज अ बिग गन ऑफ द बीजेपी, मतलब डॉक्टर एस जयशंकर बीजेपी के, है ना, भारतीय जनता पार्टी के एक प्रभावशाली व्यक्ति है, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। यू नो वेरी वेल दैट ही इज अ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया राइट नाउ। ओके, तो डॉक्टर एस जयशंकर जो है इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं राइट नाउ, और वो बीजेपी के बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। यू नो वेरी वेल दैट ही इज अ वेरी जेंटलमैन एंड वेरी नाइस पर्सन। नेक्स्ट, बाय द बाय। बाय द बाय, इसका मतलब होता है बात ही बात में, नहीं होता कि बात ही बात में कुछ हो जाना, है ना, बात ही बात में कुछ हो जाता है, तो बाय द बाय इसका मतलब होता है बात ही बात में। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, By the by, मतलब बात ही बात में, he told me about बसंती, उसने मुझे बसंती के बारे में बता दिया। क्या किया? बता दिया, बातों ही बातों में उसने मुझे बसंती के बारे में बता दिया। और हमारा ये खत्म हो गया, और इसका फिर एक नेक्स्ट वीडियो, क्लास थर्ड, ये तो क्लास टू था, क्लास थर्ड फिर आएगा, आप देखेंगे इस पर लगभग जो भी इंपॉर्टेंट आइटम्स एंड फ्रेज हो गया वो सारे हम आपको कराएंगे, जो आपके एग्जाम से काफी इंपॉर्टेंट होगा, 110% विद गारंटी। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।